आज मेरी वीडियो को सिर्फ पांच मिनट दस मिनट देख लीजिएगा तभी आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोगों को वाकई इस काम से अर्निंग हो सकती है वाकई आप लोगों का फायदा हो सकेगा आप लोगों ने YouTube के ऊपर बहुत सुना होगा कि बच्चों वाला काम बच्चों वाला काम करें उसके थ्रू आप लोगों ने अर्निंग करनी है आज मैं आप लोगों को जेनुअनली बताऊंगी कि आप लोग कैसे बच्चों वाला काम करके अर्निंग कर सकते हैं तो हैं रियल वे के अंदर आप लोगों को आज मैं बताऊंगी अगर आप लोग वाकई सीरियस हैं खुद के साथ ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आज की मेरी वीडियो आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकती है मैं आप लोगों को हंड्रेड श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जो बंदा आज की मेरी वीडियो देखेगा उसको इम्प्लीमेंट भी करेगा उसके ऊपर काम भी करेगा तो उसको ज़रूर ऑर्डर्स मिलेंगे आप लोगों को जैसे काम सिखाऊंगी आज से पहले किसी यूट्यूबर ने आपको उस तरह गाइड नहीं किया होगा उस तरह आप लोगों को काम नहीं सिखाया होगा इसलिए इस वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा असलामेकुम कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे अनपढ़ बंदा भी काम कर सकता है अगर आप लोगों ने आज से पहले ऑनलाइन अर्निंग नहीं की तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज की वीडियो देख के आप उसके बाद ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि इस काम को करने के लिए ना तो आप लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है ना ही आप लोगों ने कोई स्किल सीखनी है ना ही आप लोगों ने कोई डिग्री लेनी है जो काम होगा वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगी दस मिनट के अंदर आप काम सीख जाएंगे और फिर उसके बाद आप अर्निंग स्टार्ट कर देंगे तो जो लोग इंटरेस्टेड चाहते हैं कि वाकई उन्होंने कमाना है घर बैठकर दो के अंदर तो वही लोग मेरी वीडियो देखें क्योंकि जो लोग आज मेरी वीडियो देख जाएंगे वही सीख जाएंगे और वही कमा पाएंगे क्योंकि आज मैं आप लोगों को जिस तरीके से काम सिखाऊंगी किसी यूट्यूबर ने आप लोगों को दुनिया के अंदर काम नहीं सिखाया होगा मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि आप लोगों ने कैसे काम करना है कैसे सीखना है और किस जगह पर देखकर आप लोगों को पैसे मिलेंगे तमाम तरीका सिखाऊंगी और पाकिस्तान की एक लड़की है कल्सूम अज पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जब लड़कियां काम कर सकते खुदारा इस वीडियो को सीरियस लीजिएगा और पूरा देखिएगा तब भी आपका फायदा होगा लेकिन काम सीखने से पहले आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों को तक पहुंच सके और आप लोग घर बैठकर अर्निंग स्टार्ट कर सके और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा और नीचे कमेंट में मुझे अपनी ओपिनियन भी जरूर बताइएगा की आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी अब काम सीखने के लिए आप लोगों ने प्ले स्टोर पर आना है यहाँ पर आकर आप लोगों ने लिखना है कैनवा जिसके पास ये एप्लीकेशन नहीं है वो प्ले स्टोर पर आकर डाउनलोड कर सकता है मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ इसके थ्रू मैं अर्निंग करती हूँ बहुत से मेथड्स के थ्रू तो आज मैं आप लोगों को ये मेथड सिखाऊंगी कि आप लोगों ने भी कैसे अर्निंग करनी है ये वाली जो एप्लीकेशन है आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी है मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैं इसको यहाँ से ओपन कर रही हूँ जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप अपने जी अकाउंट के थ्रू इसको आसानी से लॉग भी कर सकते हैं कैनवा का इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा आपने जो काम करना है आपने उसी को सर्च करना है मैंने आप लोगों को सिखाना है बच्चों के वर्कशीट बनाना तो आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है मैथ वर्कशीट फॉर किड्स आप देख सकते हैं कि आपके सामने बच्चों की वर्कशीट आ चुके हैं आप भी इस तरह की वर्कशीट बनाकर अर्निंग कर सकते हैं ये बहुत आसान काम है और इस काम के पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं तो आप आसानी से ये काम कर सकते हैं आप बनी बनाई शीट को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद भी बना सकते हैं मैं आप लोगों को दोनों काम सिखाऊंगी कि आप यहाँ से बनी बनाई कैसे डाउनलोड करेंगे और खुद अगर आप लोगों ने बनानी होगी अपनी पसंद की अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि मुझे उस शीट के अंदर ये ये चीजें चाहिए तो आप कैसे बना सकते हैं वो भी बहुत आसानी के साथ आप देख सकते हैं कि कुछ वर्कशीट के नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है प्रो या फिर पेड तो जो भी ये प्रो वाली है या फिर पेड वाली है वो आप लोगों ने यूज नहीं करनी आपको कैनवा का जो प्रो वर्जन है वो परचेज करना पड़ेगा फिर आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि जो पहला है वो कलर द नंबर है यानी जितने भी इस पिक्स के अंदर फोर नंबर्स हैं उन लोगों को बच्चों ने कलर कर देना तो आप इस तरह की सेम बना सकते हैं मैं आप लोगों को सेम बनाना भी सिखाऊंगी सेकंड नंबर पे आप देखें जो प्रो वाली है इसके अंदर मिसिंग नंबर्स हैं आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनकी बुक्स भी ऐसी होती हैं जो मिसिंग नंबर्स होते हैं उन्हें यहाँ पर फिल करने होते हैं तो आप इस तरह के भी बना सकते हैं नीचे आप देखेंगे ये फार्म एनिमल्स हैं बच्चों को पिक्स दी जाती हैं फ्रूट्स की वेजिटेबल्स की उन्हें कहा जाता है कि आप लोगों ने इनको मैच करना है कॉलम्स को आप लोग जिस भी टाइप की चाहते हैं वर्कशीट बनाना आप बड़ी आसानी के साथ यहां पर बना सकते हैं आपके सामने ये वाली जो वर्कशीट है इसके नीचे नहीं लिखा हुआ है कि ये है है या पेड़ है, तो आपने इसके आपको, आप आपको राइट साइड पर टॉप तो पर जो पहला निशान रहा, आपने इसके नेक्स्ट आपको नीचे नजर आ रहा है डाउनलोड का आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो ऊपर ऑप्शन है पीडीएफ स्टैंडर्ड तो आपका यही होना चाहिए नेक्स्ट आप लोग डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी इमेज होगी जो भी फाइल होगी वो आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी आपको ये जो शीट नज़र आ रही है एप्पल मैथ की आपने इसके ऊपर क्लिक करना है आप ये बनी बनाई भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों ने कोई चेंजिंग वगैरह करनी है किसी क्वेश्चन के अंदर तो आप वो भी बड़ी आसानी के साथ कर सकती हैं मैंने सेवन प्लस वन के ऊपर क्लिक किया तो आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है एडिट का एडिट का मतलब होता है कि आप उसमें कुछ भी चेंज वगैरह कर सकते हैं तो आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है नेक्स्ट आपने जो गलत का निशान है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है तो आप जो भी क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं आप अपने की पैड से ऐड कर सकते हैं मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है कि फाइव प्लस सेवन नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है फाइव प्लस सेवन जो है वो हो चुका है अब अगर आप लोग चाहते हैं कि ये फाइव प्लस सेवन जो है वो बोल्ड होना चाहिए जैसे आपको नजर आ रहा है कि बाकी जो भी सवाल हैं वो प्रोमिनेंट तौर पर नजर आ रहे हैं तो आप फाइव प्लस सेवन के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है फॉर्मेट का आपने फॉर्मेट के ऊपर क्लिक किया नेक्स्ट आप देखिए आप यहाँ पर है बोल्ड का आपने बी के ऊपर क्लिक कर देना है तो आप देख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो सेम बाकी क्वेश्चन की तरह हो चुका है प्रोमिनंट एग्जाम्पल मैंने थ्री प्लस फोर के ऊपर क्लिक किया नेक्स्ट मैं दोबारा एडिट के ऊपर क्लिक करूंगी दोबारा फिर आपने गलत के निशान के ऊपर क्लिक करना है तो आप जो भी क्वेश्चन चाहते हैं ऐड करना अपनी मर्जी से आप जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी यहाँ पर जो है वो चेंज हो चुका है अगर आप चाहते हैं कि आपने एप्पल की जगह पर किसी और फ्रूट की पिक डालनी है तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगी डिलीट करके अगर आप चाहते हैं कोई और डालनी है तो आपने प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है नेक्स्ट आपको नीचे ऑप्शन नजर आ रहा है सेकेंड एलिमेंट्स का आपने इसके ऊपर क्लिक करना है नेक्स्ट आपने यहाँ पर एलिमेंट सर्च करना है। मुझे चाहिए मैंगो की पिक्स तो आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर मैंगो सर्च किया है तो आप देख सकते हैं कि ग्राफिक्स के अंदर मुझे मैंगो की काफ़ी ज्यादा पिक्स नजर आ रही हैं तो आपको यहाँ से जो इमेज अच्छी लगती है आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं लेकिन याद रखेगा कि जो प्रो वाली हैं या पेड वाली हैं आपने उनको यूज़ नहीं करना मुझे ये वाला मैंगो चाहिए तो मैंने इस मैंगो के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये मैंगो यहाँ पर आ चुका है आपने यहाँ से साइडों से कोनों से पकड़ना है पकड़कर आप उसको साइज़ के उसके मुताबिक जो आप फिट कर सकते हैं मैंने इसको यहाँ से पकड़ा पकड़कर मैं उसको यहाँ पर रख दूँगी आप तो चाहते हैं कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है एप्पल मैथ मैंने अब कर दिया है मैंगो तो आप इसके ऊपर पे क्लिक करके जब एडिट करेंगे तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने अब यहाँ पर जो है वो क्या लिखना है आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी चीज़ जो यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने टॉप के ऊपर क्लिक करना है फर्स्ट निशान के ऊपर नेक्स्ट आप यहाँ ने पर नजर डाउनलोड का आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना, नेक्स्ट आप दोबारा डाउनलोड करेंगे तो आपकी जो भी इमेज होगी वो पीडीएफ के अंदर है वो सेव हो जाएगी अब फॉर एग्जांपल अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो पहली पिक मैंने आपको दिखाई दी कि ये खुद भी बना सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि आपने यही बनानी है पेड है तो पेड आप यूज़ नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात आप खुद बनाएंगे तो खुद बनाने के लिए आप लोगों ने प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है नेक्स्ट आप लोगों ने ऊपर सर्च में लिखना है मैथ वर्कशीट तो मैथ वर्कशीट हमने इसलिए लिखा है ताकि उस पेज का जो भी साइज़ हो वो आपके सामने आ जाए कि उस पेज का साइज़ क्या है आप देख सकते हैं कि उस पेज का साइज आपके सामने आ चुका है अब सबसे पहले ऊपर आप लोगों ने लिखनी है हेडिंग प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है आप लोगों ने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है next, तो आप लोगों ने एडा हेडिंग के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर आपने गलत के निशान के ऊपर क्लिक करना है तो ये रिमूव हो जाएगा अब आप लोग अपनी मर्जी की हेडिंग यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दी है कि कलर द फोर नंबर के बच्चे जो है वो कलर करें फोर नंबर का आप लोग यहाँ से इसको पकड़ भी सकते हैं पकड़ के आप जहां पर रखना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से इसको जो है वो रख भी सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा है कलर का नीचे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपकी अपनी मर्जी है आप यहाँ से जो भी इसका कलर रखना चाहते हैं आप कलर रख सकते हैं मैंने रेड रख दिया यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं कि आपने इसका साइज भी जो है इंक्रीज करना है तो आप लोगों ने फोन साइज के ऊपर क्लिक करना है ना रखना चाहते हैं आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर रख दिया है सिक्सटी फोर नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पर अब लिखना कैसे है तो लिखने के लिए आप लोगों ने प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है नेक्स्ट आप लोगों ने एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है तो आप लोगों को यहाँ पर चाहिए सर्कल जो मैंने आपको बताया था साइडों पे छोटे छोटे सर्कल थे तो आप जो भी शेप लेना चाहते हैं आप अपनी मर्जी यहाँ से ले सकते हैं नेक्स्ट आप लोगों ने ग्राफिक्स के अंदर सी आल के ऊपर क्लिक करना है तो प्रो वाले हूँ आप लोगों ने यूज़ नहीं करने अब तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने डिफरेंट किस्म की प्यारी प्यारी शेप्स आ रही हैं तो आपको यहाँ से जो अच्छी लगती है जो प्रो वाली नहीं है वो आप लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं मैंने ये वाली लेनी है तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये शेप यहाँ पर आ चुकी है अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज हो यानी ये वाइट के साथ वाइट हो चुकी है तो आप लोग यहाँ पर ब्लैक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस शेप का कलर जो है वो ब्लैक हो चुका है अब आप इसको पकड़ कर जहाँ पर रखना चाहते हैं आप इसको यहाँ से फ़िट कर सकते हैं अब आप लोगों को ज़्यादा सर्कल चाहिए तो ज़्यादा सर्कल के लिए आप लोगों ने क्या करना है इसके ऊपर क्लिक किया नेक्स्ट आप लोगों को जो ऊपर जमा का निशान नज़र आ रहा है प्लस का आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये दो हो चुकी हैं फिर ये तीन हो चुकी हैं चार हो चुकी हैं तो आपने बारी बारी जो है इन सबको पकड़ना है पकड़कर आप लोगों ने साइडों पर अलग करते जाना है यानी आप लोगों को वहाँ से ये होगा कि बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा बल्कि आप यहाँ से इसको कॉपी करके बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं आप लोग देख सकते हैं कि मैंने उसी तरह कॉपी करके सारे सर्कल साइडों पर कर दी है अगर आप लोग चाहते हैं कि अब आप लोगों ने यहाँ पर सर्कल में दरमियान में फोर लिखना है तो आप फोर डिजिट भी ले सकते हैं तो फोर डिजिट लिखने के लिए आप लोगों ने प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है नेक्स्ट आप लोगों ने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है आप लोगों ने एड हेडिंग के ऊपर क्लिक करना है अब हेडिंग के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है फोर आपने इसके ऊपर लिख दिया अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका साइज जो है वो बड़ा हो तो फोन साइज के ऊपर क्लिक करना तो आप इसका जितना साइज रखना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं आप लोग चाहते हैं ये दरमियान में हो तो आप लोग ने इसको पकड़ना है पकड़ आप इसको दरम्यान में भी सेट कर सकते हैं आप लोगों ने सर्कल के अंदर गिनती लिखनी है मुख्तलिफ और बीच में लिखना है फोर तो आप लोगों ने क्या करना है इसके ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर टेक्स नजर आ रहा है आपने टेक्सट के ऊपर क्लिक करना है एडा सब हेडिंग करनी यानी ये हेडिंग होगी हमारी तो आपने यहाँ पर लिख देना है वन भी हम यहाँ से फोन साइज बढ़ा देंगे इसका साइज मैंने यहाँ पर बड़ा कर दिया है सिक्सटी रख दिया है नेक्स्ट में इसको यहाँ से पकड़ूंगी पकड़ कर मैं इसको इस सर्कल के अंदर जो है वो रख दूंगी इसी तरह आप लोगों ने वन के ऊपर भी क्लिक करना है आप देख सकते हैं कि मैंने अब ये सारी वर्कशीट उसी तरह बना ली है सेम अब तो आप खुद भी बना सकते हैं तो सेव करने के लिए वही तरीका है टॉप के ऊपर आप लोग ने क्लिक करना है फिर आप लोग ने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है दोबारा डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये भी वर्कशीट ईजिली सेव हो जाएगी अब आप लोगों ने इस काम को देना कहाँ पर है किस जगह पर आप देंगे आपको पैसे मिलेंगे हम उस जगह पर चलते हैं गूगल पर आकर आप लोगों ने लिखना है फाइवर फाइवर लिखते ही आपको जो मेन वेबसाइट नजर आती है फाइवर की आपने इसके ऊपर क्लिक करना है आप लोग देख सकते हैं कि कितने कम लोग हैं सिर्फ तीन सौ अवेलेबल यानी पूरी दुनिया के अंदर से लोग फाइवर के ऊपर काम करते हैं यहाँ पर अपने अकाउंट बनाते हैं लेकिन पूरी दुनिया के अंदर मैथ वर्कशीट का काम सिर्फ तीन लोग कर रहे हैं और ये बहुत कम कंपटीशन। है अगर आप लोग ये कहते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है हम काम नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग काम चोरी करते हैं अपने आप को ये कहकर कि जी फाइवर के ऊपर बहुत कंपटीशन है हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा अगर हम अकाउंट बना भी लेंगे तो आप लोगों के ये अपनी कोताहियाँ हैं अपनी गलतियाँ हैं बहुत कम कम्पिटिशन है इस गिग के ऊपर आप ये काम करके घर बैठ कर आसानी से कम से कम पंद्रह सौ कमा सकते हैं आप देख सकते हैं कि ये उसी तरह की वर्कशीट है जिस तरह की मैंने आप लोगों को बनानी भी सिखाई है आप इस तरह के भी बना सकते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि मैंने इंग्लिश की वर्कशीट बनाना भी सिखाई है मैंने उसके ऊपर भी डिटेल के अंदर वीडियो बनाई है आप लोगों को जो थामने नजर आ रहा है आप इस वीडियो को देखकर अर्निंग कर सकते हैं मैं इस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर खुद दे दूंगी आप उस वीडियो को भी जब देखेंगे तो आप लोगों को ए टू जी मैंने हाथ पकड़ कर सिखाया है कि आप लोग कैसे इंग्लिश की वर्कशीट बनाकर भी अर्निंग कर सकते तो उस वीडियो को भी लास्ट में पूरा देखेगा इनशाला आपका जरूर फायदा होगा अब देखें ये बंदा यहाँ पर कम से कम पंद्रह सौ रुपए ले रहा है इस वर्कशीट बनाने में इस बंदे का रेड यहाँ पर पंद्रह सौ नेक्स्ट आप देखें उसी तरह ये इमेजेस हैं ट्रीज हैं फ्लावर्स हैं तो आप लोग जो चाहें एलिमेंट्स के अंदर जाकर जो है अपनी मर्जी की इमेजेस वगैरह सर्च कर सकते हैं चीजें सर्च कर सकते हैं नेक्स्ट आप ये देखें अब आप लोगों को पता है कि ये यहाँ पर इमेजेस हैं वन प्लस टू है। इसी तरह मैंने आपको क्वेश्चन की वर्कशीट कैसे बनानी है वो भी आप लोगों को खुद बनाना सिखा दी इसका रेट भी पंद्रह सौ है हर बंदे का रेट यहाँ पर जो है वो मुख इस बंदे का नाम मेहरान है और ये पाकिस्तान के अंदर रहते है। यहाँ पर काम कर रहा है इसका कितना रेट है पंद्रह है और इसने कितने ऑर्डर कम्प्लीट किए हैं सात ऑर्डर कम्प्लीट कर नेक्स्ट आप देखें इनका नेम भी सहरिश है ये भी बच्चों की जो वर्कशीट बनाती हैं आप देख सकते हैं कि ये उसी तरह जो है वर्कशीट है जो मैंने आपको ऑलरेडी बनानी सिखाई है तो आप लोग अब ये ना कहीगा कि आप लोगों को काम नहीं आता या फिर फावर के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि इस गिग के अंदर जो है इस काम के अंदर कम्पिटिशन बहुत कम है और लोग यहाँ से जो है वो लाखों हज़ारों रुपये कमा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को सिर्फ पाकिस्तान के लोगों का दिखाया जाए ताकि आप लोगों के अंदर मोटिवेशन पैदा हो कि पाकिस्तान के अंदर जब लोग काम करें तो आप ही कर सकते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है सिंपल आप लोगों ने यहाँ पर ऊपर क्लिक करना है सैलरी डिटेल्स के ऊपर नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर पाकिस्तान के काम करें पाकिस्तान के हैं दो सौ नवासी लोग आप लोग देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर से ही सबसे ज्यादा लोग इस गिग के ऊपर काम कर रहे हैं इस कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं काम कर सकते जब पाकिस्तान के अंदर 200 से ज़्यादा लोग ये काम कर रहे हैं तो आप लोग किस इंतजार में बैठे हैं कि कौन हमें आकर ऑनलाइन अर्निंग सिखाएगा या कौन हमें हाथ में काम पकड़ाएगा तो वही हम काम करेंगे आप देख सकते हैं कि ये लड़की है जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तो काम कर रही है और एक सौ ऑर्डर्स कम्प्लीट कर चुकी है अब तो आप खुदा का खौफ कर ले अब तो आप कमाना शुरू कर दें कि ये बहुत आसान काम है ना तो आप लोगों को कोई स्किल चाहिए ना आप लोगों को कोई डिग्री चाहिए ना ही आप लोगों का को कोई पढ़ा लिखा होना जरूरी है कि बंदा कहे कि पढ़े लिखे हो गए तभी आप कमा सकते हो अब तो अनपढ़ बंदा भी कमा सकता है इतना काम बढ़ गया है ऑनलाइन अर्निंग का जब ये लड़की पाकिस्तान के अंदर रहते काम कर सकते पढ़े तो लिखे हो तो भी आप नहीं कमा रहे कैसे आप लोगों ने खुद बनानी है वर्कशीट मैंने आप लोगों को हाथ पकड़ कर सिखा दी और इंग्लिश की वर्कशीट बनाना भी सिखा दी है कि आप लोग इंग्लिश की वर्कशीट कैसे बनाकर अर्निंग करोगे और इस बंदी का रेट भी आप लोगों को पता है कि तीन हजार है तो रेट कितना रखना है कम रखना है ज्यादा रखना है वो आप लोगों की अपनी मर्जी है लेकिन आप लोगों को मैं यही मशवरा दूंगी कि जब आप यहाँ पर काम स्टार्ट करो तो आप अपना रेट पंद्रह सो रखो या दो हजार रखो जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाता है आपको ऑर्डर्स मिलते जाते हैं फिर आप अपना रेट भी बढ़ा सकते हो अगर आप लोग आज भी मेरी वीडियो देख कर गुजर जाओगे इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे काम नहीं करोगे तो मुझे पता है कि आप लोग कभी भी लाइफ के अंदर कामयाब नहीं हो सकते आप कभी भी ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग बहुत मुश्किल काम होता है और जो आपको मैंने काम सिखाया है वो बहुत ही आसान है आप लोगों ने सिर्फ फाइवर पर अपना अकाउंट बनाना है गिग बनानी है और आप लोगों ने छोड़ देना है अगर आप लोगों को ऑर्डर्स मिलते हैं कहीं भी आप लोगों को मुश्किल पेश आती है कि आप लोगों ने कैसे वर्कशीट बनानी है मैथ की या इंग्लिश की तो मैं आप लोगों को बनाना फिर भी सिखा दूंगी अगर आप लोगों को कहीं भी मुश्किल पेश आते हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं मैं इनशाला आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि आप लोगों ने कैसे काम करना है कैसे आप लोगों ने अर्निंग करनी है तो बार बार मैं कहूंगी खुदारा इस वीडियो को सीरियस लें इस गिग के ऊपर काम करें मैंने आप लोगों को बना बनाया काम नहीं सिखाया बल्कि आप लोग खुद कैसे बनाएंगे वो भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया है ताकि आप लोग खुद बनाना चाहें या आपका क्लाइंट आपको बोले कि मुझे इस तरह की वर्कशीट चाहिए और कैनवा के अंदर वो अवेलेबल ना हो तो भी आप लोगों को मुश्किल पेश ना आए मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बहुत आप लोगों को बता दिया लेकिन आप लोगों को फिर भी कहीं समझ नहीं आती तो मैं दोबारा कह रही हूँ आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं मैं आप लोगों को कमेंट के जरूर जवाब देती हूँ मेरा काम था आप लोगों को रास्ता दिखाना काम समझाना अब इस रास्ते पर चलना है या नहीं चलना काम करना है या नहीं करना तो ये आप लोगों की अपनी मर्जी है अगर आप लोग चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ YouTube के ऊपर सकरोली करते रहें लोगों की वीडियोज़ देखते रहें बस अपना टाइम ज़ाया करते रहें तो ये अब आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं मैं अपने चैनल पर हमेशा रियल वीडियोस लेकर आती हूँ आसान वीडियोस लेकर आती हूँ कि कोई अनपढ़ बंदा भी कमाना चाहे वो भी कमा सकता है क्योंकि आजकल ऑनलाइन अर्निंग सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही नहीं कर रहे अनपढ़ लोग भी बहुत से काम सीख अर्निंग कर रहे हैं तो खुदा इस वीडियो को लास्ट में सीरियस लीजिएगा अपनी लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं इसके ऊपर बहुत कम कंपटीशन है जितना मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकती थी मैंने मोटिवेट कर दिया अब आप लोगों की मर्जी आपने काम करना है या नहीं अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट में मुझे अपनी ओपिनियन जरूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी क्योंकि आप लोगों की ओपिनियन मेरे लिए बहुत मैटर करती है आप लोगों के कमेंट से सब्सक्राइब से और लाइक like और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलती है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत रिसर्च करके मेहनत के साथ वीडियोस लेकर आती हूँ और आप लोगों को ए टू जी काम सिखाती हूँ चले मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त अल्लाह हाफिज